अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए MGT 611 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2022 लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको मैं समझा सकूँ आप अपने GDB का सॉल्यूशन किस तरह बना सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइल लेना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाएं, लिखें रेज फॉर सक्सेस। जब आप इस तरह लिख लेंगे, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ क्लिक करें और हमारी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आ रहे हैं। वो स्टूडेंट जो हमसे ये तमाम सर्विसेज लेना चाहते हैं वो हमसे रابطہ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे हमारी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पर तमाम असाइनमेंट्स GDB के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप जो सॉल्यूशन लेना चाहें हमारी वेबसाइट से आकर उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वक्त की कमी की वजह से मैं तमाम सॉल्यूशंस की वीडियोस बनाकर आपको समझा नहीं पाती, लेकिन जितनी वीडियोस मैं बनाती हूँ आप उन्हें कंप्लीट सुना करें। इससे आपका कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि क्या इस क्वेश्चन को किस तरह आपने लेकर चलना है। आज का हमारा जो सॉल्यूशन है वो है MGT 611। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ GDB का जो टॉपिक है वो है लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और GDB की सबमिशन डेट जो है वो है 9 जून। 9 जून लास्ट डेट है GDB सबमिट करवाने की, और जिन स्टूडेंट को GDB सबमिट करवाना नहीं आता वो यहाँ से हमारी वीडियो देखकर अपना GDB खुद सबमिट करवा सकते हैं। रिक्वायरमेंट में आपको समझाने लगी हूँ। इस GDB में 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखते हैं। मुर्तजा एंटर्स इन एन एग्रीमेंट विद अ म्यूजिक लेबल टू सप्लेट रॉयल्टीज फ्रॉम हिज न्यू एल्बम एज 50-50। However, at the time of this agreement, Murtaza been drinking at the bar for several hours and is heavily drunk. Is this a valid contract? Justify your answer with valid reasons. यानी इस requirement में वो कह रहा है कि Murtaza ने एक agreement किया music labels के साथ ताकि वो एक new album बनाए और उसका जो profit होगा वो दोनों के दरमियान 50-50 होगा। लेकिन जब मुर्तजा ये एग्रीमेंट कर रहा था, मुर्तजा उस टाइम बिल्कुल नशे की हालत में था और बहुत ज़्यादा उसने नशा किया हुआ था, लिहाजा वो अपने होशो हवास में नहीं था। तो इस लिहाज से आपने ये बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मुर्तजा ने किया क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपने उसके रीजंस देनी है कि क्यों ये वैलिड है और क्यों ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसका आंसर बनाने से पहले इसको थोड़ा सा समझने लगे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने अपना आंसर किस तरह बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कितनी हैं। कॉन्ट्रैक्ट की 8 टाइप्स हैं। सबसे पहली है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इन 8 कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स को स्टडी किया और उसके बाद मैंने इस सिनेरियो को समझ के ये फाइनलाइज किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसकी कुछ रीजंस हैं, मैं आपको सबसे पहले बताने लगी हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार है क्या। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज़ अपनी आज़ादाना राय देती हैं और ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये बाकायदा कानून के तहत होता है और अगर कोई पार्टी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी इसके ऊपर यानी उस पर्सन के ऊपर केस कर सकती है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है।
लेकिन कंडीशन के मुताबिक आप रीज़न इस तरह लिख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से नहीं है बिकॉज मुर्तज़ा जो था उस टाइम वो बहुत ज़्यादा हैवीली ड्रंक था, उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। और जब वो बिल्कुल अपनी आज़ादाना राय का इजहार करने के काबिल ही नहीं है इस वक्त, तो हम कैसे बकायदा कानून के तहत कोई कार्रवाई कर सकते हैं या कोई एग्रीमेंट उससे उस सिचुएशन में करवा सकते हैं। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको आइडिया इसीलिए दिया है ताकि आपको समझाया जाए पहले और उसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वक्त की कमी की वजह से अपने GDBs, अपनी असाइनमेंट्स, अपने क्विज नहीं कर पाते या अपने थीसिस नहीं बना पाते, वो तमाम स्टूडेंट्स अच्छा काम करवाने के लिए मुकम्मल इत्मीनान से अपना काम हासिल करने के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल इत्मीनान रख के अपना काम हमसे करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। अब्दुल्ला विद इंटेंट टू डिसीव हमजा फाल्सली रिप्रेजेंटेड दैट 20,000 मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एनुअली एट हिज फैक्ट्री एंड इंड्यूस्ड हिम टू बाय द फैक्ट्री। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? अब्दुल्ला हमजा को धोखा देना चाहता है और वो हमजा से झूठ कह रहा है कि उसकी फैक्ट्री में 20,000 सालाना मोटरसाइकिल्स तैयार होती हैं और उनको सेल किया जाता है। उसकी फैक्ट्री जो है इस तरह वर्क करती है और अब्दुल्ला ये चाहता है कि हमजा जो है वो इसकी फैक्ट्री को ख़रीद ले। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी नीयत ही बकायदा धोखे के ऊपर बेस कर रही है, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा? जैसा कि मैंने ऊपर आपको 8 टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट की बताई हैं, उनमें से मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका आंसर के तौर पे सिलेक्ट किया है। आप लिख सकते हैं लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बी कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का वो बहुत ही ज़्यादा वसी तौर पर लिखा जाता है। अगर इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म का भी ज़रा सा गैर कानूनी काम किया जाता है या इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद जो है उसमें कोई भी गैर कानूनी चीज़ मुलव्वस होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सबसे पहली नीयत ही फ्रॉड की है, अब्दुल्ला हमजा को धोखा दे रहा है और धोखे से उसे फैक्ट्री सेल कर रहा है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसके साथ फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड जो है ये गैर कानूनी चीज़ है। और जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गैर कानूनी चीज़ मुलव्वस हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3। अदनान रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंड एन एग्रीड सम ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। After the first 2 months, Qurban defaulted in making amount of the rent. Adnan ने अपना घर Qurban को 1 साल के लिए 10,000 किराए पर दे दिया। 2 महीने के बाद Qurban इस सिचुएशन में नहीं था कि वो Adnan को रेंट पे कर सके। Baqir, a neighbor, being concerned with the strained relationship between Adnan and Qurban, paid the rent with good intention. Subsequently, on Qurban's refusal to reimburse the amount, Baqir filed a suit against him on the ground that he made the payment to Adnan, which Qurban was legally bound to make. यानी इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि बाकिर जो है वो इन दोनों का नेबर्स था और उनके इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। उसने अच्छी नीयत रख के कुर्बान को कहा कि मैं आपका रेंट अदनान को दे रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे बाद में मेरी अमाउंट जो है रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन कुर्बान ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा मैं आपको आपकी अमाउंट अब वापस नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से मेरा रेंट पे किया था। बाकिर ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि मुझे मेरी अमाउंट वापस चाहिए जो मैंने अदनान को
दी थी, और कुर्बान जो है वो लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड हो जाता है कि आप उसे उसका जो पेमेंट है वो रिटर्न करें, ठीक है। बाकी इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्स, बाकी का हक बनता है कि वो अपनी अदायगी वापस ले। एक्सप्लेन द कंडीशन या सिचुएशन, बाकी इज जस्टिफाइड इन दिस सूट, क्या बाकी को इसकी जो है अदायगी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बकायदा कोर्ट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के दरमियान, क्योंकि दो पार्टीज जो होती हैं अगर एक दूसरे के साथ कहीं चीज़ों को लेकर लेन देन करती हैं मगर उनके दरमियान कोई भी एग्रीमेंट मौजूद नहीं होता, सिर्फ गुफ्तो शनीद के ज़रिए उन्होंने अपने काम किए होते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई झगड़ा हो जाता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन पे सबूतों के बिना पर मुकदमा कर देता है तो फिर कोर्ट जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कि आप दूसरे पर्सन को उसका राइट दें। तो हमने क्वेश्चन के सिनेरियो को देखा और हमें उसके बाद ये नतीजा अखज किया कि बाकिर जो है वो अपनी पेमेंट वापस लेने का सही हकदार है और कुर्बान को चाहिए कि वो उसको उसकी पेमेंट जो है वो वापस करे। इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, अगर कोई स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइल लेना चाहता है तो वो देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन फाइल अवेलेबल है और यहाँ से आप तमाम सॉल्यूशन फाइल को चेक करके यहाँ से पॉप आउट के ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और हमारी वेबसाइट को डेली विजिट करते रहा करें ताकि हम लेटेस्ट जो पोस्ट बनाते हैं अगर हमने उनकी वीडियोस नहीं बनाई तो आपको फिर भी उनके सॉल्यूशन जो हैं मिलते रहें। और हमारी वीडियोज़ के लिंक हमारी वेबसाइट की पोस्ट को दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबकी हेल्प और सपोर्ट हो सके। अल्लाह हाफिज़।